योगी से बोली काजल, योगी अंकल मैं जीत कर भी हार गई, योगी ने दिया इनाम। रोती आई काजल हंसते हुए लौटी, कौन है काजल, क्यों दौड़ी 220 किलोमीटर, क्यों पहुंची सीएम योगी के पास, ऐसा क्या हुआ। योगी से मिलते ही काजल मुस्कुराने लगी, सब बताएंगे आपको, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, बस इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। खैर ये तो सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ सियासत के सबसे शानदार धावक साबित हुए और काजल भी एथलीट की दुनिया की जूनियर धावक साबित हो रही है, लेकिन उसकी जिंदगी में कई कांटे हैं जिसे सीएम योगी ही निकाल सकते हैं और इसलिए काजल पहुंच गई सीएम योगी से मिलने। ऐसी धावक जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे। काजल पहली ही ऐसी लड़की है जो प्रयागराज से लखनऊ दौड़ती है और कहती है कि जरूरत पड़ी तो प्रयागराज से दिल्ली तक दौड़ेगी। चौथी क्लास में पढ़ने वाली काजल योगी से मिलकर सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ एक ऐसा अन्याय हुआ जो योगी ही इंसाफ दिला सकते हैं, इसलिए वो योगी से मिलने 220 किलोमीटर दौड़ कर आई। प्रयागराज में 19 नवंबर को 42 किलोमीटर इंदिरा मैराथन का आयोजन हुआ था। उस मैराथन में काजल ने 14वां स्थान हासिल किया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से आयोजकों ने उसे मैराथन में शामिल नहीं माना। काजल ने मैराथन पूरी करने के बाद खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन ऐसा हो ना सका, खेल मंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया। फिर काजल ने योगी दरबार में दरवाजा खटखटाया। योगी आदित्यनाथ ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्हें मदद की दरकार होती है। काजल 10 अप्रैल को प्रयागराज से लखनऊ पहुंची और 16 अप्रैल को योगी से मिलने का मौका मिल गया। अब दूसरे धावक की भी बात कर लेते हैं, राजस्थान के सिकरी से, जिनका नाम सुरेश है, उम्र है 24 साल, क्योंकि ये चाहते हैं इंडियन आर्मी में भर्ती शुरू हो। ऐसा करने के लिए सिकरी से दिल्ली 50 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़कर पहुंच गए। हो सकता है सोशल मीडिया पर आपने भी सुरेश के दौड़ते हुए हौसले को देखा होगा, उनका ये जज्बा देखकर हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। इसके बाद तीसरा एक और नाम भी बहुत जरूरी हो जाता है, प्रदीप महारा, जिसका वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में 19 साल का लड़का देर रात नोएडा की सड़कों पर भागते हुए दिखाई दिया, बगैर किसी परवाह के दौड़ते ही चला गया। सिस्टम को जगाने के लिए कई बार दौड़ जरूरी होती है, क्योंकि मंजिल हासिल करने के लिए दौड़ना जरूरी है। शायद ये धावक हमें यही संदेश देते हैं, इसलिए आज देश कह रहा है काजल भागो, भागो काजल भागो, आज देश आपके साथ है और सीएम योगी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।